गुरु गोविंदाय नमः। सिद्धार्थ भक्तिर नुआ कार्यक्रम भक्ति पथ को आपण मानकु सर्वप्रथमे स्वागत। मोर सबु बापा माँ भाई बंधु कुटुंब गुरुचन माने ब्राह्मण देवता माने साधु वैष्णव माने समस्तंक पाद तले आम तरफ कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। चलीचि पूज्य संथ रामानुजंक कथा। ये जो रामानुज केड़े बड़ ज्ञानी कौन हैला? सामान्य निजर स्त्री टिके जाति प्रथा उपरे गुरुत्व देले बोली वैराग्य भाव सृष्टि हैला। श्री रंगम मठरे जाई रहिले एवं जमुनाचार्यंकर देहांत परे श्री रंगम मठरे रामानुजंकु अभिषेक करागला। मठर मठाधीश हेई रहिले संथ रामानुज। रहीपा परे सुनिले गुरु नाम्बी आज्ञा तक सी रहती मदुराई श्री रंगम रु श्री रंगम पीठ मठ रु मदुराई आज्ञा गुड़ाए बाट सी रहती मदुराई। मदुराई मैंने क्या कहते ना जो मीनाक्षी टेम्पल मीनाक्षी मंदिर जो अच्छी से मदुराई। आउ हाँ आम भारत भितर जिते मंदिर अच्छे ना मीनाक्षी मंदिर सब सुंदर मंदिर ता चारिटा गेट तो अति सुंदर केबे गले देखिबे आपण माने मीनाक्षी मंदिर मदुराईर सबुठारु सुंदर मंदिर। से पाखेरे अछि पद्मनाभ देवंक मंदिर पद्मनाभ देवंकर जोठी शयन करिसंती भगवान तांको खाली हातटी देखा पड़िबो से पाखेरे अछि पद्मनाभ देवंक मंदिर। ये होछि ये आपणकर दक्षिण भारतर कथा। तेबे से जाहुना काहेकि ये सुनिले गुरु नाम्बी आज्ञा सेंको मंत्र गुरु नाम्बी पाखु जी मंत्र नहीं दीक्षा नहीं सी निजे भगवान निकटवर्ती कथा लोक मैंने जानती ये बड़ संथ हो गुरु नाम्बी मंत्र ओम नमो नारायण तांको मंत्र है नमो नारायण मंत्र। कौन कौन आज्ञा गाती सी भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सबुबेले नारायण नारायण नारायण। गुरु नामिंकर जो मंत्र ओम नमो नारायणाय ए मंत्र आज्ञा मंत्र तो समस्त पाखे अच्छे किंतु आपण कौन बही खातारू जदि सिक्की दे कि आपण जप करती हबनी हब किंतु हबनी कहीं हबनी कहले दीक्षा प्रदान करती केवल गुरु नाम दिंती केवल गुरु। हाँ आ गुरु जोटा नाम देवे से नाम जी सफलता पाइबे निजे कौन सी खाता बहुत शिखिले से सफलता पाइबे नहीं आज्ञा। तेणु मने मने भाविले रामानुज मु गुरु नाम्बी पाखरु किमिति नमो नारायण दीक्षाटी ग्रहण करती देखु आज्ञा दीक्षा ग्रहण करने के आग्रह आजिकल आपत जहाँ कह रे भाई गुरु करूनु दीक्षाटी नौनु ना भाई मत समय कहीं केत गुरु ग्रहण करी अरे दिने गेल दुखे सुखे रात्रे गेल निदे दिने गेल दुखे सुखे रात्रे गेल निदे दिने ना भजिल कृष्ण चरण अरविंदे दिने ना भजिल कृष्ण चरण अरविंदे। आज्ञा दिन मान आमर दुख सुखने चलीगला गलानी कि आज्ञा ऑफिस जीवा घर कम कर छुआ पा कथा बुझा क्या दिपा खराब है बाप माँ कथा बुझा दुखे सुखे राति है तो राति दसटा एगारटा तो है बिछणा कले आराम शोले सका उठिले पुणी निज कम लगे आ टाइम कहीं आज्ञा कृष्ण ना धरने को भगवान ना धरने को गुरु को दीक्षा पालन करने को कितु ये सब कर्म भितर जी समय बाहर करके गुरु दीक्षा को पालन कै मन रखि थे आज्ञा गुरु जहाँ निर्देश देवे जदि पालन करती ठीक भाव आपणकर केबे भी अधोपतन हबनी सबुबेले उन्नति मार्ग रे आपण थिबे। हाँ
गुरुंक वाक्य परा भगवानंक वाक्य ठारु मध्य महत्व गुरुंक वाक्य तेणु नाम्बीक पाखरु केमती ए दीक्षाटा आणबे चिंतित तो हेई पड़िले आपणकर रामानुज एवं श्री रंगम मठरु धरंतु 30-40 माइल बाट होची आपणकर रामानुज जोठी जोठी थिले सेटु 30-40 किलोमीटर बाट होची आपणकर मदुराई तेणु मदुराई रे जाई गुरु नाम्बीक पाखरु मंत्र आणबा पाई रामानुज थरे नुहे दुई थर नुहे 18 थर जाइचंती आज्ञा जेतेबेले जानती गुरु नाम्बी बस्ती बे सब शिष्य माने बस्ती बे प्रणाम आज्ञा नाम्बी एम धार देबे माने बस बसिले समस्ते जीवा परे जाईकि नाम्बी को पाखरे पहुंचंती आज्ञा मु आसतिले आपण को पाख को नमो नारायण मंत्र रो दीक्षा नवा पे आसतिले हौ आउ केबे आसो बुझिबा फेर जानती पुणि थरे पुणि ता पर थरे आसीबे आज्ञा मु नमो नारायण मंत्र रो दीक्षा नवा को आसतिले आपण पाख को बहुत श्री रंगम पीठरु आसीछि मु हौ आउ केबे आसो देखिबा सबुबेले एही उत्तर सुणंती नाम्बी दबा को राजी नुहे दीखिया काई क्या गया ओडिया भागवत कसी कसाई धन देव नोहिले बाहुडाई देव नाई कसीबो बणिया पाकु आपण जानतु गोटिए सुना मुदी धरी बणिया पैसा देखि सुना मुद्रा रखदबा आपण पाकु नाई आगो कसीबो कौन ता पाखरे गोटे तेजाबी पथर अच्छी तेजाबी पथर टिके घसी दबो घसिकी परीक्षा कर गोटे तरल पदार्थ ढाली ता देहरे परीक्षा करिबो जदि जो पथर घसी सारापर तेजाबी टिके मारिबो देखिबो जदि बणिया पुओ देखिबो जे एटा ठीक सुना ताले रखिबो जो सुना नहीं फेरे दबो ए हरि मध्य भगवान मध्य भक्त को परीक्षा करती गुरु कौन ता छात्र को परीक्षा करिबोनी देखंतु 18 थर गले किंतु दौ ना এই থরটা শেষ ধর সতরে দেবে বার বরস কলে সেবা গোবিন্দ গুরু কহিলে কিছু দেবা গোবিন্দ না কি আজ্ঞা 12 বর্ষ সেবা কলে গুরু কহিলে কিছু দবা কিন্তু ইয়ে 18 ধর ফেরিলে মদুরাইরু 19 থর বেলকু যেতবেলে নাম্বিঙ্ক পাখেরে পৌঁছিলে কহিলে গুরুদেব প্রণাম নাম্বি অনেইলে ये 18 थर जाक नाम्बी तांको मुह को भी जाई नथिले 19 थर बेलकु नाम्बी अनैले हाँ बाबा आज्ञा ओम नमो नारायण मंत्रटी मते टिके दियंतु दीक्षा दियंतु 18 थर आसिलेनी गुरु कहले हाँ कहिबा कोन दरकार 18 थर आसिलोनी आसीछ त 18 थर बस जेतेबेले बस बोली कहिले केबे कोउ दिन कहि नथिले बस बोली प्रथम थर कहिले बस निजक भाग्यवान मन कले रामानुज बसीगले गुरु पाखे आज्ञा आपण मैंने आजिकल गुरु जदि रास्त जाऊे आम कौन कर हाथ में मोटरसाइकल हैंडल थ सार नमस्कार प्रथम द्वितीय आपन को पाठ पढ़ाऊ सारे सार नमस्कार नहीं आज्ञा जो गुरु को देखिए आपण को प्रथम श्रेणीर शिक्षक ही था पछे जदि गुरु को जो देखिए आपण निजे ठिया है आज्ञा प्रणाम देखु आ द्वारा गुरुंकर केते आशीर्वाद पड़िबो आउ हाँ जो मैंने गुरु गुरु गुरुजन ब्राह्मण वैष्णव एम पाखु आशीर्वाद नहीं थांती से माने जीवन रे केबे असफल हो न था कहीं कहले गोटे श्लोक मन पड़ूनी अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्ध पसेविनः चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः अभिवादन शीलस्य जदि आप गुरुजन को अभिवादन करती प्रणाम करती हैं चतुरी तस्य वर्धन्ते चारिटा जिनस आपणकर बढ़ी जाए कौन आयु वित्त जस बल ये चारिटा जिनस बढ़ी जाए तेणु सबुबले गुरुजन मानक सम्मान देखा उचित आमर ए जो कार्यक्रम भक्ति पथ एथिरे केवल भक्ति कथा आउ भल कथा चारिपद केवल शुणी आउ किछि नहीं आज्ञा तो 19 थर बेलू जितेबले कहीदेले रामानुज को नाम्बी गुरु तमे बस रामानुज बसिले गुरु पाद पाखे देखते आज्ञा गुरु आगे जिते बड़े बस चरण अग्र न दिशिबो
ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ପାଦର ଅଗ ଦିଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ, ଏଇ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗିନି ମାରୁଛନ୍ତି ବସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଗ ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ। ସାଧୁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେମିତି ବସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ନା ବାପା, ମନେ ରଖିଥାଅ ପାଦର ଅଗ୍ର ଯେମିତି ନ ଦିଶିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୁରୁଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଜୋରେ ହସିବନି, ହଁ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟେଇବନି, ହଁ, ଏସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁଜନ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି ଟିକେ ହାତ ଦେଖିକି ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କଥା, ହାତ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଇଏ ସଂସ୍କାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା' ହିଁ ଶିଖେଇବେ, କିଏ ଶିଖେଇବ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ତେଣୁ ବସିଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ, ଗୁରୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ହେ ରାମାନୁଜ, ତମେ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ନବ, 18 ଥର ଫେରିଲଣି କହୁଛ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାନ ଦିଅ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି କାନରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ କରିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାନରେ ହିଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାରେ ଦେବେନି, କାନରେ ହିଁ ଦେବେ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଉପନୟନ ବା ଉପନୟନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୁନି ପିଲାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନୟନ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଏମିତି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ହଁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଏସବୁ କର୍ଣ୍ଣରେ କାନରେ ଚୁପ୍କି ଦିଆଯାଏ, ଏସବୁ ବଡ଼ ପେଟରେ ଦିଆଯାଏନି। ତେଣୁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଲେ, ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ହେ ରାମାନୁଜ, ଶୁଣ, ତମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ସାଧନ, ତପସ୍ୟା, ଏ କଥା ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମନ୍ତ୍ରର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବ, ଅସତ୍ ଉପଯୋଗ କରିବନି। ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରଖିବ, ଏ ମନ୍ତ୍ର କେବେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କହିବନି। କାହିଁ କହିବନି ନା? ଏଇଥିପାଇଁ କହିବନି, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଧରିବ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ସତରେ ମନ୍ତ୍ରର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଆଗରୁ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଋଷି ମୁନିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ନାଇଁ? ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ରାକ୍ଷସ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ଏମାନେ ଋଷିମୁନିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୟ କରନ୍ତି ନା? ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପଟାକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ। ଭୀମ ବହି କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ, ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ବାଣୀ କମ୍ପୁଛି ଧରଣୀ, ଚିନ୍ତିଲେ ଖଣ୍ଡୁଛି ପାପ, ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମରେ ନିର୍ବେଦ କର୍ମରେ, ବନ ଉଡ଼ୁଛି ଅଲେଖ, ବନ ଉଡ଼ୁଛି ଅଲେଖ। ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେୟା ହିଁ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସତ, ଜଣେ ସାଧୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏମାନେ କାହାକୁ ନା? ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର କାନରେ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ରାମାନୁଜ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ତ ପାଇଗଲି, ଏଣିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣେଇବ ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯା। ରାମାନୁଜ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଲୋକଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ପାଏ, ସିଏ ଖୁସି ହବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ଚାକିରି ବାକିରି ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥିବ,
बड़ लोक जने रास्ता रे जाऊ जाऊ जदि गोटे कलसी रे कलसी ए सुना पाए से खुशी हो ना हो ठीक से बड़ी एते थर दौड़ीबा परे एते थर आसीबा परे जते बेले दीक्षा मंत्र दीक्षाटा पाई गले ना रामानुज मन मन आनंद हो गले किंतु गुरु कहिसंती ए मंत्र तमे आउ काहा को सुनैबनी काहा को कहिबनी का पाखरे प्रकाश करिबनी गुरु कहिसंती आज्ञा गुरु नाम्बिंग कथा रामानुज रखिबे कारण सी जानिचंती रामानुज मो आखिरे समस्ते समान गुरु कहिसंती ए मंत्र काहा को कहिबो नै उठिके आसिला बेले गुरुंक पाद तले मुंडिया मारिले गोटे पद मन पड़ू आज्ञा संथ तुलसी बाबा गुरु पाद तले मुंडिया मारुचंती कौन पद गुरु मातु पितु महेश भवानी गुरु मातु पितु महेश भवानी प्रणमऊ दीन बंधु दीन दानी प्रणमऊ दीन बंधु दीन दानी सेवा का स्वामी सखाशिया पीके द्वित निरूपदी सब विधि तुलसी के आज्ञा गुरु मातु पितु महेश भवानी गुरु को सब दृष्टि रे देखिबा को पड़े देखंतु गुरु मुंडिया मारले फेरी आसिबा परे मने मने भाबिले मु एका बंचिले लाभ ना दुनिया बंचिले लाभ के रामानुज देखंतु मु एका मुख्य पाइबा उचित ना विश्वर समस्त मनीष मुख्य पाइबा उचित मो पाई जहा करी ना विश्व पाई जहा करी देखंतु की चिंताधारा मन मन चिंता कले ना गुरु कहिसंती ए मंत्र जीए पढ़ सीए मुख्य पाई ताले समस्ते पढ़ंतु ना समस्ते मुख्य पाई जा असुविधा कौन है यह चिंता करी रामानुज गुरु को गुरु कहिसंती का आगु कहिबनी मंत्र गुरु कौन रामानुज कौन कले जानिसंती सब लोक मान को जिते लोक सब थे समस्त डाकिले कले बाम माने आस समस्ते आस समस्ते आस ना कौन पे रामानुज डाकुचंती समस्ते आसिले समस्ते आसीबा परे गोटे उच्चा जगह उपरे चढ़िले रामानुज उच्चा जगह उपरे चढ़ी सब लोक मान को डाकिले कले सुन जीवन रे जदि मुख्य पाइबा को चाहुच ताले कौन मुझे मंत्र कौची ए मंत्र को तुम बारंबार उच्चारण कर जीवन में मुख्य पाइज उच्चा जगह पर चढ़ी बड़ पाटी कहले भजमन नारायण 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 बड़ पाटी रे गुरु जो मंत्र दीक्षा देइथिले एवं कहिथिले बापा निज छोड़ा ए मंत्र काहाकु कहिबु नाही गुरुंक कथा मध्य रामानुज रखिलेन बट पाटी रे ठिया है सब लोक मानंक पाखरे ए मंत्र को पढ़िले काई पढ़िले जानिचंती आज्ञा काई कि पढ़िले मंत्र संत कवि भीम बहिंकर गोटे पद मने पड़ुची बेनी खंड हाड़ बुंदा ए रुधिर बेनी खंड हाड़ बुंदा ए रुधिर फुटे माओ सजाणई एणु करिसिना प्राणीक आरत मुहि सही न पारई मुहि सही न पारई बेनी खंड हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउस जाणई ए बाबा रामानुज चिंता कले मो देहरे दिखंड हाड़ अच्छी फुटे माउस अच्छी
टिके रक्त अच्छी अच्छी बोली मो शरीर अच्छी जिते मनीष अच्छा समस्त देहरे भी से दिखंड हाड़ अच्छी फुटे मांस अच्छी टोपे रक्त अच्छी से अच्छी बोली समस्ते चली ना मु एका मुख्य पाइबी आ समस्ते रही जदि मुख्य पाइब तो समस्ते मुख्य पाइबे यहीपाई ठिया है कि समस्त को उच्च जगार ठिया है समस्त को डाकिले समस्त को डाकिले कह आस ए मंत्र निय दीक्षा निय ए जो दीक्षा मंत्र को समस्ते पढ़िले ए कथा गुरु नाम्बी जाणिले कहारे हे मु मना करी ये मंत्र कौटी कहबू ना बोली कि सब लोक मंत्र गुरु नाम्बी एत जोरे रागिगले नाम्बी कहले कौन है मु मना करी मंत्र कौटी प्रकाश करू ना कि रामानुज मंत्र प्रकाश करदेला इति जोरे क्रोधान्वित हो गले नाम्बी रामानुज जाणिले गुरु रागिंट आसिले नाम्बी पाक नाम्बी तक मुह अनौ ना गोड़ तले पड़गले रामानुज हाथ जोड़िके कहले हे गुरुदेव आपत जदि दंड दबा चाहते दिंतु ना मत मत मारि दिंतु आज्ञा मु मर को चाहे मत मारि दिंतु आप दंड दिंतु मु गुरु हाथ में मरबि मारि दिंतु ना किंतु आपणकर पाखे जो अमूल्य संपद अच्छी से अमूल्य संपद सबु लोक पाइबार के वंचित न हुंतु समस्त देहरे पूरा भगवान अच्छा दे दिंतु ना समस्त को बांटि दिंतु समस्ते तरीगले मुख्य पाइले यहाँ तो आमपाई ही मंगल ना जदि मु भूल करी गुरुदेव मत आप दंड दिंतु गुरु नाम्बी अनैले आखिर करुणार अश्रु दीटोपा गड़ी पड़ा धन्य धन्य तुम रामानुज गुरु अमूल्य संपत्ति की मध्य तुम्हें लोक मान भितर बांटिदेल ऐ तो हूँ मनीष पणिया यही तो हूँ महत्व दान ये से रामानुज देखु जहाँ कीर्ति अक्षय कीर्ति हाँ रामानुज आज्ञा तिरुपति बालाजी मंदिर आपणकर तिरुपति मंदिर ये रामानुज कौन होता कह आज तो समय हेनी आज्ञा समय साथ दौनी आगामी अध्याय आपण सहित आम पुणी भेट हबु से बड़ पर्यंत अपेक्षा विदाय नवा विभु भांगी दियो हे खेल चंचल कोड़ा ठाकुर होइल कि अचल माया धर फिटाओ माया श्रृंखल तुमे भकत बंधु भक्त वत्सल तुमे भकत बंधु भक्त वत्सल गुरु गोविंदाय नमः।